I hope you are doing absolutely fine. Welcome back to Unwrapped Zindagi. अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो पहले ये वाले वीडियो पे जाओ देख लो, अदरवाइज ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको. The thing is that, so I actually got an opportunity to be present in the global business meet, जहाँ पे like big multi-billionaire, multi-millionaires around the globe in the same domain that I am in my business connect हुए थे, where they were sharing their journeys, what challenges they faced, and mostly the people I met over there were like started from zero or nothing. कुछ भी नहीं था वहाँ, मतलब उनके पास when they started like 20 years back, some people were like 10 years back, and they have made it possible because of the hard work that they have put in. So they were sharing a lot of things and stuff. तो वहाँ पर मेरे को इतने अच्छे अच्छे learnings मिले ना मेरे को, like it will be very difficult for me to make you understand just a minute or two. अगर एक लर्निंग की बात करो, दैट इज़ लाइक सक्सेस, अगर एक ट्री है, अगर एक पेड़ है, तो उसका जो सीड या फिर बीज है ना उसका, दैट इज़ द बिलीफ, सेल्फ बिलीफ एंड द बिलीफ यू हैव ऑन द थिंग दैट यू आर डूइंग. एंड इफ यू आर नॉट वाटरिंग दैट सीड, वाटरिंग मीन्स यू आर नॉट गेटिंग ट्रेंड, यू आर नॉट लर्निंग अबाउट इट, लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, लर्निंग अबाउट द बिजनेस दैट यू आर डूइंग, देन इवेंचुअली वो यू नो सीड, वो बीज पौधा नहीं होगा और पौधे से पेड़ नहीं होगा. अगर कभी वो पौधा हो जाता है या पेड़ भी हो जाता है, यू आर सक्सेसफुल एंड यू स्टॉप वाटरिंग इट, इट इज़ श्योर दैट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो पेड़ मर जाएगा, दैट विल नॉट सर्वाइव. सो ट्रेनिंग या फिर लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ एनीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ. एंड यू कैन सी विराट कोहली स्टिल ट्रेंड्स, राइट? व्हाई? बिकॉज ही हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको अपने फॉर्म को इम्प्रूव करना है, जो पहले कर रहा था उससे ज़्यादा अच्छा करना है, एंड दैट इज़ द सेम इन केस ऑफ बिजनेस. सो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग. तो ये बिजनेस कन्वेंशन चला था 6th, 7th and 8th of September को, और 6 September को मैंने अपना साइकिल लिया था. उसके बाद मैंने अभी तक चलाया नहीं है, एंड टुडे प्रोबेबली विल बी द फर्स्ट डे दैट आई विल बी राइडिंग इट, पर पहले उसको देख लेते थोड़ा अच्छे से. सो दिस इज़ एक्चुअली द साइकिल, और मैंने इसको ऐसे ही कवर करके रखा था इतने दिनों से, एंड आई एम गोना रिमूव द कवर नाउ. दिस इज टाटा स्ट्राइडर, नाम भूल गया था. यस, दैट्स द थिंग. अब इसको अनरैप वहाँ जाके करेंगे, कहाँ जाके बाद में आपको पता चल जाएगा, एंड प्रोबेबली आज ही मैं जाऊँगा, देखते हैं. शाम को निकलेंगे. सो दिस इज एक्चुअली डे टू. कल को क्या हुआ कि तनफेज के साइकिल में कुछ प्रॉब्लम था, लाइक पीछे के व्हील में उसका व्हील हवा चला जा रहा था, काइंड ऑफ पंक्चर फिर से, तो वो गया फिर से दुकान में आज सुबह, एंड वी आर एक्चुअली मीटिंग टुडे. और आज वेदर तो लग रहा है कि यू नो भिगाएगा हम दोनों को, देखते हैं क्या होता है, निकलते हैं. Look at it, man. Wow. It's so beautiful. This is such an amazing place, to be honest. Bas mast aa raha hai. So, guys, look at the weather. Kitna khoobsurat hai na? Area dekh rahe ho? Maine laya bhai idhar aapko. Aaj to maine laya idhar. इधर इस एरिया, हाँ इस यहाँ पे मैं इस एरिया पे इसने लिखा है. बट दिस, ओह माय गॉड, जो भी हो, आज ये दो साइकिल है हमारे पास जिसका अनरैपिंग बाकी है. मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं किया था, अगर नहीं देखा तो आई बटन में जाके देख लो, जैसे मैंने बताया. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आगे मस्त लग रहा है, इतना दूर से साइकिल चला के आया ना. थोड़ा वेदर ठंडा होता, मजा आता, बहुत मजा आता, बट ठंडा होने के साथ साथ बारिश भी दे देता, तब दिक्कत हो जाता. कोई नहीं, फिर भी सही है, शूट के लिए ये वेदर मस्त है. हाँ, वहाँ पे देखा मैंने कोई म्यूजिक शूट हो रहा है, वीडियो शूट हो रहा था. दिस इज अ रियली नाइस प्लेस फॉर म्यूजिक शूट वीडियो. और यहाँ पे जो बीरोल निकलेगा, अच्छा, भाई बीरोल का तो बात मैं आपको बोलने वाला भी था कि क्या
एक बॉलीवुड सीन रिक्रिएट करते हैं ना ये जगह पे, जैसे दिलवाले मतलब कोई ऐसा होगा ना जिसमें आप विलेन बनोगे, मैं एक्टर बनूंगा, या फिर मैं विलेन आप एक्टर, कोई ऐसा फाइट सीन या फिर कोई भी सीन, किसके लिए फाइट, 5-6 मिनट का मतलब रिक्रिएट, वो भी रहेगा हमारा भी रहेगा इंस्टाग्राम के लिए, यहाँ पे यहाँ पे मस्त बनेगा सीन। अब भाई क्या वीडियो के लिए मार भी खाना होगा इससे और इसको मारना होगा तो जो भी हो देखेंगे, बातें बातें होती रही। पहले इसको अनरैप कर लेते हैं एंड लेट्स, मैंने भी नहीं देखा यार, आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने करना था, मेरे घर में इतने दिनों से पड़ा हुआ है, मैं नहीं निकाला रैपर बिकॉज ऑफ यू गाइस। एक बात बता दीजिए, नो मोर चाइनीज टाटा, नो मोर चाइनीज। तो जो भी हो वो तो एक चीज़ मैंने प्रमोट किया, सेकेंड थिंग इज द लव दैट आई हैव फॉर यू गाइस। आप लोग नहीं देख रहे हो तो मैं कुछ नहीं करता, सो आप लोगों के सामने इसके बदौलत एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट तो बनता है, और बाकी सब्सक्राइब तो, सब्सक्राइब नहीं किया तो डाल दो भाई। हाँ हाँ, how's the feeling bro? बहुत पसीना निकल रहा है, you can see. So I want to ask all of you guys, कि ये जो कलर है आपको पसंद आया? मेरे को तो बहुत एक्चुअली तनफेज ने बताया था, मेरे को तनफेज ने मेरे को रिकमेंड किया कि दिस इज समथिंग दैट आई शुड गो फॉर इन स्पाइट ऑफ द ऑरेंज कलर। Deep inside, and I feel like I don't need you. तो फाइनली अनरैपिंग इज डन, ये साइकिल, और पता नहीं ये क्या है, इसको निकाल दे क्या? नहीं रख दो ना, समझ नहीं आ रहा ये घर, पता नहीं क्या है। निकाल दो। इसके साथ ये वायर है तो इसको घर पे जाके काटना होगा, तो इसको बाद में निकालेंगे। यहाँ पे 7 गियर्स है, यहाँ पे 3 गियर्स है, तो सब मिला के 21 गियर साइकिल है। और ये मेरे को ना बचपन में बहुत शौक था गियर साइकिल का, क्लास 10-11 उस टाइम पे, उसके बाद शौक चला गया। And now currently I am able to leave the shock because of Corona. And this is Shimano gear system. और क्या बताऊँ, सामने disc brake है, पीछे तो V brakes जैसा होता है वो है। This is a 26-inch tire. 29-inch tire बहुत अच्छा होता है for you know off roading के लिए, but मेरे को मिला नहीं, but still it has white tires compared to others bikes. Seat is not at all comfortable, ये तनफेज को भी पता है। अब बारी है एक चीज़ की, दैट इज कॉल्ड तंड्रैप जिंदगी वाइब्स, जो मैं तो रहूँगा वीडियो में बट वाइब्स देगा ये, और ये होगा प्री एडिटिंग वाइब्स और पोस्ट एडिटिंग वाइब्स की जिम्मेदारी। हाँ, सो सिनेमैटिक्स कमिंग इन 3-2-1 गो। इतना से साइकिल चलाया बट क्या बताएं, रास्ता इतना ख़राब है, शरीर पूरा नहीं तो बहुत ऑफ रोडिंग करना पड़ा। तो फाइनली घर आ गए और आज का राइड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तुम कैसा रहा? मज़ा आया भाई, मज़ा आया, मेहनत लगा भाई, तुम चेहरा नहीं दिखा रहा है, अभी दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है। सो शाम मतलब पूरा एरिया ऑफ रोडिंग का था और कमर में मेरे को थोड़ा दर्द हो रहा है, स्टार्टिंग में मेरे को बैलेंस भी ठीक से नहीं आ रहा था साइकिल पे, अभी अच्छा खासा हो गया। हाँ अभी अच्छा खासा हो गया, तो पसीना से भींग भी गया कपड़ा। हाँ मेरा भी। सो जो भी हो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, ये जो लाल देख रहे हो इसको ग्रे कर दो, नीचे बटन है सब्सक्राइब करके एकदम, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप अगले वीडियोस नहीं मिस करो। हर सैटरडे 8 बजे मैं आता हूँ
हमारी YouTube की दुकान पे अनरैप्ड जिंदगी और क्या बोलने वाला था मैं, Instagram में फॉलो कर लेना, जो जो फोटोज झगड़े आए ओह भाई का कमाल है बहुत सारा फोटो मैंने अपलोड अभी तक नहीं किया है, उसको भी करना है, सो आप आ जाना। और मैं साइकिल को थोड़ा ठीक कराना है, थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर है, उसको मैं लेके जाऊंगा अगले हफ्ते शायद, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग। स्टे हैप्पी, आई डोंट वॉन्ट टू मैन, भाई निकल जाओ प्लीज, द डोर इज ओपन। स्टे हैप्पी, चलो कितने महीने, 4 महीने में सब भूल गया भाई, 4 महीने में। Sorry. Till the time I upload my next video, stay happy, stay blessed, and keep watching this beautiful channel on Unwrapped Zindagi. अभी सही था ना? गाली दो इसको, गाली दो। मेरे चैनल पे आके चप्पल मार के सॉन्ग गा। किस किस को याद है ये नीचे बताओ। तो इसके चैनल पे जाके क्या करना है, लाल वाला बटन है उस पे चप्पल मार, चप्पल कौन बोल रहा है, चप्पल कौन बोलता है, हाथ मारो हाथ। अरे यार क्या बोल दिया मैं।